अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। घबराने की कोई जरूरत नहीं है अर्नव जी, पापा जी अब ठीक है। आज अगर पापा को कुछ हो जाता ना पल्लवी, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। जिस पिता का आप जैसा बेटा हो, उसके साथ कुछ गलत कभी कैसे हो सकता है? एक बात कहें आपसे, आज तक हमने आपकी आंखों में पापा जी के लिए सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देखा था, लेकिन आज जब ये आंसू देखकर हमारी नजरों में आपकी इज्जत दुगनी हो गई है अर्नव जी, I am so proud of you। प्राउड होता पल्लवी जी। भाई आइए बैठिए। ये लीजिए। आज से पहले ना पल्लवी, मैं जानता ही नहीं था कि मेरे दिल में पापा के लिए नाराजगी के अलावा, नापसंदगी के अलावा कुछ और भी है। लेकिन आज जब उन्हें वो खो देने का ख्याल मेरे दिल में आया ना, तो मुझे पता चला कि मैं उनसे प्यार भी करता हूँ। सारी नाराजगी से बढ़कर, सारी नापसंदगी से बढ़कर मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। और अगर आज तुम नहीं होती ना, तो शायद मैं उन्हें ये सब बताए बिना ही आज उन्हें खो देता। खुल ही नहीं रहा है, इसको किसी चाबी वाले के पास लेकर जाना होगा, इसमें कोई सबूत मिल जाए। पूरे परिवार को काले जादू के जाल में फंसा दिया है। सब मान गए कि रूही परिवार पे काला जादू कर रही है। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। अब आप अपने आंसू पोछिए और खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप अपने पापा को भी बता पाएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। से कॉल है, भूल ही गया था मैं तो। हेलो हेलो मिस्टर अर्नव, ये कॉल आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए किया गया है कि अगले 20 मिनट में आपकी वाइफ को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। व्हाट, सिर्फ 20 मिनट में? क्या आप कुछ? हेलो जी, हम पहुंच जाएंगे। ओके पल्लवी, क्या किया तुमने? इतने स्ट्रेस में इंटरव्यू दोगी कैसे? हम खुद को संभाल लेंगे। लेकिन पल्लवी, अर्नव जी, आज जब हम दुकान में बंद थे ना, तो हमें लगा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर आप आ गए। कल जब हम पानी में थे तब हम उम्मीद छोड़ने ही वाले थे, लेकिन फिर आप आ गए। शायद यही भगवान जी का इशारा है कि अगर हम दोनों साथ रहेंगे तो हर मुश्किल से जीत जाएंगे। प्लीज चलिए ना अर्नव जी, अब एक बार कोशिश करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि इतना सब कुछ नेगेटिव होने के बाद भी तुम ऐसे इतना पॉजिटिव कैसे रह सकती हो? मुझे तुमसे प्यार तो हो ही चुका था, लेकिन अब हर पल ना मैं तुम्हारे प्यार में डूबता ही जा रहा हूँ। I love you more and more and more। अब चलिए। ये शर्मा रही है या जान के मुझे तड़पा रही है? सिर्फ 3 वर्ड ही तुम्हें से बोले क्यों नहीं जा रहे हैं? सॉरी सर, वो एक्चुअली हमारे घर पे कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी, तो सीधा वहीं से आ रहे हैं। आइए बैठिए।
Sit down. Welcome everyone. ये एक ग्रुप इंटरव्यू है, जैसे ग्रुप डिस्कस होता है बिल्कुल वैसे ही आप सभी से एक साथ सवाल किया जाएगा और आपके सामने यही डिसाइड हो जाएगा कि आप इस जॉब के काबिल हैं या नहीं। ध्यान से देखिए इस कपड़े को और बताइए अगर इसमें कुछ कमी है तो क्या है, अगर ये खास है तो क्यों खास है। आपसे शुरू करते हैं। Well, first of all, this garment is nicely hand-stitched. But a machine could have been better. The branding, not up to the mark. मिसेस पल्लवी, बताइए इन कपड़ों में क्या खास है? भोले बाबा की जय। This cloth is cloth. सॉरी अर्णव जी, लेकिन शायद हम ये नहीं कर पाएंगे। सॉरी सर, बट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लाइक ऑल ऑफ यू, मेरा भी अभी तक यही मानना था कि हर चमकती हुई चीज हीरा होती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने एहसास दिलाया कि हर चमकती हुई चीज जरूरी नहीं है कि हीरा होती है, वो शीशा भी हो सकती है। और जो हीरा है वो एक ऐसी चीज है जो आपको कोयले की खदान में भी मिल सकता है। आई एम सो सॉरी सर, मैंने उस दिन आपको इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया था कि मेरी वाइफ को इंग्लिश बोलना लिखना और पढ़ना आता है, बल्कि ऐसा सच नहीं है। पल्लवी इंग्लिश नहीं बोल सकती थी, लेकिन स्पेशली उसने इस इंटरव्यू के लिए कुछ ही दिन पहले इंग्लिश बोलना सीखा है। बस इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रही है, बट ट्रस्ट मी सर, शी इज द बेस्ट। आप वो आपको प्रूव करके दिखाएगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। पल्लवी, बी कंफर्टेबल। पल्लवी, शिवा ने तुम्हें सिखाया इंग्लिश बोलना, तो अभी तुम सिर्फ ये सोचो कि तुम यहाँ पे क्लास में शिवा के साथ हो और वो तुम्हारा कोई इम्तिहान ले रहा है। ओके, I know you can do it. This cloth color will bleed. This cloth embroidery is asymmetrical. Thread are rough. Rough soap, it will give rashes to the skin. That is all from my side. Thank you very much. Hey Baba Bholenath, lagta hai kuch galti hui hai. कैसा था? कुछ वर्ड्स को छोड़ के बाकी सब सही था, परफेक्ट था। I'm so proud of you.
वेल डन मिसेस शास्त्री। वेल डन, आज आपने साबित कर दिया कि ज्ञान किसी डिग्री का मोहताज नहीं होता, अगर उसे कोई दिल से चाहे तो कहीं भी प्राप्त कर सकता है अपने लगन से। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। वी डिड इट पल्लवी, हमने कर दिखाया। हाँ अर्णव जी, हमने कर दिखाया। पल्लवी पल्लवी पल्लवी, I'm so happy, finally मैं अपने सपने पूरे कर पाऊंगा, finally मैं अपने पैरों पर खड़ा हो पाऊंगा। अब देखिए सासू माँ ने मेरी कदर न जानी, दंगल प्ले पर टीवी से पहले।